चुनाव आ गए हैं और कई जगहों पे वोटिंग भी शुरू हो गई। जब भी वोटिंग होती है तब तब ईवीएम मशीनों की बात होती है। कई लोग ईवीएम को वोट करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प मानते हैं तो कई लोग उस पर भरोसा नहीं जताते हैं। कई लोग कहते हैं कि ईवीएम तो आखिर में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसे हैक भी किया जा सकता है। वही कई लोग कहते हैं कि जिस अमेरिका ने इसे बनाया था अब वहीं इसके जरिए वोटिंग नहीं कराता है, अब वो बैलेट पेपर पर लौटा है क्योंकि उसका मानना है कि इसे फेयर इलेक्शन नहीं होता, यानी फेयर वोटिंग नहीं होती। तो क्या ऐसे में ईवीएम को हमें भी छोड़ देना चाहिए? क्या ईवीएम को सच में हैक किया जा सकता है या फिर ईवीएम से फर्जी वोट डाले जा सकते हैं? चलिए आपको बताते हैं। ईवीएम से फर्जी वोट डालना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन है, क्योंकि ये एक वोट एक व्यक्ति के सिद्धांत पर काम करता है। एक वोट डालते ही मशीन लॉक हो जाती है, जब तक पीठासीन अधिकारी नहीं चाहे तब तक दूसरा वोट नहीं डाला जा सकता। यानी अगर किसी ने ईवीएम लूट भी ली तब भी वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही किसी भी तरह से इसमें फर्जी वोट डालना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। अगर आपके पास हाई टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप इसमें कुछ फेर बदल कर सकते हैं, तो शायद आप ईवीएम के जरिए कुछ कर पाएं। लेकिन ऐसे आम लोगों के लिए या फिर आम कोई शरारती तत्वों के लिए ईवीएम हैक करना काफी ज्यादा मुश्किलों का काम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।